व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एमकेडीएम गेमिंग। और ये अपना फर्स्ट गेम प्ले है रेंगल 2.0 का। मतलब मैं खेल चुका हूँ पहले, बट ये वाला जो है वो ऑफिशियली मतलब गेम प्ले के लिए अपना रिकॉर्ड करने के लिए फर्स्ट है। तो यूट्यूब पे भी अपना ये फर्स्ट गेम प्ले जो है रेंगल 2.0 का। फिलहाल मैं उतर रहा हूँ कोचिंग की में, और इस बार मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस डुओ नहीं, इस बार मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। काफ़ी करेज लगता है भाई। तो फटाफट से मैं जो है उतर जाता हूँ कोचिंग की में, और पहले देखता हूँ कि ज़्यादा लोग तो नहीं आए, बट यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे आए थे। और गेस करना कि यार कोचिंग की में ही मेरे कितने किल होने वाले। फिलहाल जैसे ही गन मिलती है सामने वाले घर पर मैं रश कर देता हूँ, ठीक है। अभी उसके पास भी गन थी, तो पहले तो मैं यहाँ से इसको नॉक कर दिया। अब सामने बंदा टीपीपी ले रहा था, मैं फुल प्री फायर देते घुस जाता हूँ। बट ये जो है वहाँ पर शायद ऑफलाइन था और बाद में ऑनलाइन आया, कुछ समझ में नहीं आया, एकदम वहाँ मुड़ के खड़ा था। फिलहाल अब यहाँ से दूसरे बंदे की तलाश थी, पहले इसको तो मैं फिनिश कर लेता हूँ, और तब तक शायद अपने आप ही ये फिनिश हो जाता है फिनिश करने के लिए। फिलहाल मिडिल सेक्टर आता हूँ और यहाँ पर बंदे रहते हैं, तो ये तो पहले किसी और को मारा था, तो फिलहाल इसको मैं नॉक करके फिनिश करने की ट्राई करता हूँ। बट तब तक उसका दूसरा टीममेट जो है वो नीचे जंप कर देता है और दूसरे को भी मार दिया। अब बाकी बचे थे दो लोग। फिलहाल अब थोड़ा सा टेंशन था, मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम थी। फिलहाल अब यहाँ पर ऊपर चले जाता हूँ मैं, एक लास्ट बंदा था, लास्ट नहीं एक्चुअली सेकंड लास्ट था, और इसका लास्ट बंदा पता नहीं कहाँ था। फिलहाल मैं यहाँ से फुल हील वील कर लेता हूँ कि कहीं अगर उसने रश कर दिया तो फिर यार मेरे लिए मुश्किल हो सकती थी। तो तीन बंदे यहाँ पर, फुल तीन किल मिल चुके थे मुझे अच्छे खासे यहाँ के तीन लोगों के, और एक चौथा किल अपना। फिलहाल और एक किल मेरा जो है वो बाकी था, इसलिए मैं फिनिश करने चला जाता हूँ उस बंदे को, क्योंकि पहले जिसको नॉक किया था वो बाहर चला जाता है और किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ उसे चुपते वक्त। तो फटाफट से मैं जाते उसको फिनिश कर देता हूँ फटाफट, और तब तक क्या हो जाता है मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, एक बंदा और दिखता है, मतलब बंदा तो नहीं कह सकते, इसी का नाम था। तो फिलहाल इसे भी फिनिश कर दिया, किल सिक्योर्ड। और अब दूसरे बंदों के लिए मतलब ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। पहले यहाँ से फुटस्टेप्स आ रहे थे मेरे को और ऊपर से आ रहे थे थोड़े, तो पहले तो मैं घुस जाता हूँ। इसके पास रहती है शॉटगन, और अगर क्लोज रेंज में ये चला देता हूँ और मुझ पर अगर कनेक्ट होगी तो यार काफ़ी मुश्किल हो जाती है। पहले तो मैं स्मोक, मतलब ग्रेनेड नहीं था, तो स्मोक खींच के ऐसा पागल बनाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये यहीं पर टीपीपी ले रहा था, अगर इसका कनेक्ट होता था ना तो यार मैं आराम से मारा जा सकता था। फिलहाल उसका कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मेरी काफ़ी खुशनसीब थी, मेरा मैं खुशनसीब था। तो फटाफट जैसे ही मैं उतरता हूँ, अरे यहाँ पर एक ऑफलाइन बंदा मिल जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है। फिलहाल अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हक्का बक्का हो चुका था, क्योंकि थॉमसन पर रेड डॉट, और ये अपडेट मैंने याद नहीं आ रहा था मुझे, ये मतलब आया था तो फिलहाल थोड़ा सा मेरे को ज़रा ऐसा हो गया, अरे भाई थॉमसन नोस्कोप चलाने की आदत है। तो पहले तो अब यहाँ पर एक बंदा मार देता हूँ, और अभी लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा होगा तो दबा देना है बस आपको ये चीज़ देखने के बाद। फिलहाल यहाँ पर इसको किल करके मैं अपना सिक्योर कर लेता हूँ किल। अब यार बचे थे दो बंदे, मतलब ये ट्रायो था, फुल स्क्वाड नहीं था। और अब यार यहाँ पर थोड़ी सी गलती भी हो जाती है, बट क्लच देखना बस तुम। सामने से मैं बंदा भागते वक्त देख लेता हूँ, मेरे को लगता है एक ही होता है, और मैं सीधा घुस जाता हूँ। और यार अब देखो, अब यार अगर उसकी UMP रिलोड पे नहीं आई होती तो यार वाट लग जाती मेरी। काफ़ी गलत वाला डिसीजन था, बट यार तुम्हारे भाई ने क्लच कर दिया। फिलहाल इस पे लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, नहीं तो और भी आगे है कुछ भी क्लचेस। फिलहाल यहाँ से आगे निकलता हूँ मैं, यहाँ पे फुटस्टेप्स आते हैं मुझे थोड़ा आगे से, मतलब भाग रहा था बंदा, दूसरे बॉट को मारने के चक्कर में अपनी पोजिशन रिवील कर देता है। फिलहाल इसको देखना नॉक करेंगे, इसको नॉक किया। अब बारी थी इसकी दूसरे बंदे की, और यहाँ पर काफ़ी गलती हो जाती है मेरे से बड़ी वाली, मैं गलती से इस पे जंप कर देता हूँ। फिलहाल मैं जंप एंड शूट करने वाला था साइड से, बट सामने से ही जंप हो गया, और सामने से उसका दूसरा बंदा आ रहा था और ये जंप एंड शूट करके आ जाता है। अब यार देखना कैसे मारेंगे, मतलब यार इसकी एक भी गोली मुझको कनेक्ट नहीं हुई, सब बाजू से ही मतलब लगी है ना एक गोली, और मेरा जो हेलमेट वेस्ट था पूरा लाल लाल हो चुका था। तो सामने और एक फाइट चल रही थी, सामने देखो, मेरा ध्यान उधर नहीं था पहले, और फर्स्ट सेक्टर में बाद में ध्यान गया तो और वहाँ पे भी बंदे थे। फिलहाल जो नज़दीक थे उन्हें ख़त्म करने की काफ़ी ज़रूरत थी मुझे, तो पहले तो मैं ग्रेनेड खींचता हूँ और ऊपर ही फेंकने वाला था मैं जस्ट, बट वो कंफ्यूज हो जाता हूँ गन साउंड की वजह से, और मेरा ग्रेनेड पूरा गलत चला जाता है। फिलहाल अब यहाँ पर मैंने लूज़ नहीं की हो, बट मुझे आ जाती हल्की सी जंप की आवाज़, और वो पीछे से हल्का सा मुझे दिखता भी है, मेरा ग्रेनेड काफ़ी परफेक्ट था बट थोड़ा आगे चला गया। फिलहाल अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ग्रेनेड खींचता हूँ, एक ग्रेनेड और था, और अभी यहाँ पर काफ़ी हेल्थ उसकी कम कर देता हूँ मैं ग्रेनेड से। वो क्यों, पहले तो मुझे लग रहा था कि नॉक हो जाएगा, बट जस्ट ज़र्रा के लिए वो बच चुका था। फिलहाल अब यहाँ से देखना क्या अंधा फायर करने वाला हो, फिर से लाइक अगर नहीं दबाओगे तो दबा देना। अब यार यहाँ पे काफ़ी अंदाज़ा लगाना पड़ा क्योंकि सामने आ गया था बुश। अब यार यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये चला जाता है ऊपर मुझे मारने के लिए, ऊपर से एंगल ढूंढने के लिए,
अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा वेट कर देता हूँ। अब यार इसको आ रही थी लेफ्ट से थोड़ा ये मार्क, तो थोड़ा सा राइट से मैं एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही ये मुझ पर मॉली फेंकने की मतलब कोशिश कर रहा था, ख़त्म कर दिया। फिलहाल यार अब देखो पोचिंग की में ही मेरे 16 किल हो गए थे, बट ये जो मेरे साथ जो लक था आज का वो सिर्फ पोचिंग के तक था। और जैसे ही मैं पोचिंग के से निकल जाता हूँ, ऑफकोर्स कौन सी जगह पे आप अगर बंदे ढूंढने होगे तो कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे रोज़ॉक। तो मैं भी वही करता हूँ, रोज़ॉक चला जाता हूँ। और बंदे ढूंढने की काफ़ी चुल मची थी, 16 किल हो गए, एटलीस्ट 25 किल तो करने ही हैं। और मैं काफ़ी सपने से देख रहा था, बट एक सीली मिस्टेक मुझसे हो जाती है। मैं रोज़ॉक हिल पे आ जाता हूँ, वहाँ पे बंदे थे और ऊपर से मुझे पे फायर हो जाता है। अब यार यहाँ पर देखना क्या गलती होगी मेरे से। जैसे ही फायर आता है मैं प्रोन होता हूँ, बट मेरा क्रॉस हेयर ही ऊपर नहीं जाता है और उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ मैं। फिलहाल इसकी हेल्थ देखो यार तुम लोग, लिटरली ये था 10 HP 10 HP 5 HP कुछ भी बोलो। फिलहाल इस बार मैं अपने टीममेट को साथ में रखता हूँ, मुझे कवर फायर की ज़रूरत पड़ेगी या कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर टीममेट को ही साथ में होगा तो। तो फटक से मैं आ जाता हूँ कोचिंग की में, और उतरने के बाद फर्स्ट सेक्टर में ही उतरता हूँ और गन वन की तलाश में हम लोग जो है लग जाते। फिलहाल अब यहाँ पर फुटस्टेप्स पहले तो नहीं आए मेरे को, और फटाफट डेजर्ट ईगल ऐसी गन है कि मतलब ठीक ठाक ही है, उसका MK-14 से ज़्यादा डैमेज है, बट ठीक ही है। एक हेड पड़ गया तो फिर शायद ज़्यादा डैमेज होता रहेगा। फिलहाल AKM और VSS मिलने का, तो मैं इस पर रेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा टीममेट मेरा किल जो है चुरा लेता हूँ। अब यार तुम लोग काफ़ी बार नोटिस करोगे कि मैं कुछ कुछ वर्ड्स में गलती कर रहा हूँ, वो इसलिए यार कभी ट्राई करना फ़ोन के आगे जस्ट ऐसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ट्राई करने को। जो बंदा फैमिलियर होगा जिससे बाकी क्रिएटर्स, उनके लिए तो आसान है, बट अभी अभी फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको ज़रा नज़रअंदाज कर देना। फिलहाल बाहर से फुटस्टेप्स आते मुझे, और ये निकलता है बॉट, तो फ्रीका के लिए पकड़ लो। फिलहाल अब यार बाकी यहाँ पर ज़्यादा टीम्स आए नहीं थे, ठीक है, और यहाँ पर मेरे टीममेट का जो है पिंग हाई हो गया था, ज़्यादा कोई टीम आया ही नहीं था, हालांकि ये था हॉट ड्रॉप। तो फटाफट से हम निकलने वाले थे, बट सामने से आ जाता है मार्क। अब यार मैं अपने टीममेट को फटाफट से बुला लेता हूँ कि चल जाते हैं उस पर और मारते हैं उसको। और फटाफट से जैसे उसका फुटस्टेप्स आने लगता है हमें, पहले तो मुझे लगा ये घर में, बट इस घर में आ जाता है वो सामने वाले। और अब देखना क्या होगा, अब मेरे को पता था वहाँ पे था, मैं फुल प्री फायर देता हूँ। और यार तुम लोग ने लैग तो नोटिस ही किया होगा, मतलब वही हो जाता है, लैग हो जाता है, कभी ओवरहीट हो जाता है। फिलहाल यहाँ से निकलने का था, हम काफ़ी देर तक बंदे ढूंढते हैं, हम रोज़ॉक में आते हैं, वहाँ पर कोई नहीं था। स्कूल से जस्ट पास ऑन हो रहे थे कि और एक बॉट दिख जाता है तो फ्री का खेल। फिलहाल हम लोग जैसे ही आगे आ जाते हैं, मेरा टीममेट मार्क कर देता है सामने वाली बिल्डिंग और कह देता है कि वहाँ पर थे एनिमीज। फिलहाल मैं सीधा उसकी बिल्डिंग में ही घुस जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से वो लोग कुछ भी पीक वीक कुछ नहीं ले रहे थे। फिलहाल मेरा टीममेट यहाँ पर दावे के साथ कह रहा था कि वो ग्रेनेड से एक को तो नॉक कर ही लेगा, तो उसने वहाँ पर नॉक किया भी, इसलिए मैं जो है सीधा घुस जाता हूँ उस पर रश करने। अब यार ये वहाँ पर कैंप कर रहा था, पहले तो मुझे कन्फ्यूजन हुई, मुझे लगा वो नॉक बंदे को ही मैं पहले फायर देने वाला था, बट समझ में आ गया। फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे पीछे लग जाती है एक बगी। अब यार मेरे पास थी बाइक और ना ही मेरा टीममेट वहाँ पीछे से गन निकाल सकता था, क्योंकि बस AR थी उसके पास, SMG होता तो SMG निकाल सकते सिर्फ। फिलहाल यहाँ पे गन गाड़ी रुका देता हूँ मैं, और यहाँ पर देखना क्या होगा इनके साथ। इसको दिया काफ़ी डैमेज, बट ये लोग मेरी गाड़ी पर अटक जाते। फिलहाल इसको भी मारा और इसके साथ इसके टीममेट को भी मतलब क्लच कर दिया छोटा सा। फिलहाल लूट के यहाँ से हम लोग काफ़ी देर तक फिर से ढूंढते हैं बंदे, और काफ़ी देर तक मतलब बहुत टाइम लग जाता है, और गटका में आ जाते हैं हम लोग, जहाँ पर मेरा टीममेट कहता है कि बंदा है, बट यहाँ पर सिर्फ एक बॉट था और गेम वेम थोड़ा चिपक रहा था मेरा। फिलहाल यहाँ पर सच्ची का बंदा भी निकल जाता है, और यहाँ पर सीन देखो, बॉट को मारा और उसके बाद यार इसको भी मार दिया। फिलहाल यहाँ से मैं हील करके जस्ट निकलने ही वाला था कि मुझे लेफ्ट वाले घर में हल्का सा एक नॉक्ड बंदा दिख जाता है। फिलहाल तो फ्री का खेलता तो क्यों नहीं लूँ, इसलिए मैं फ्री का खेल अपना बठोर लेता हूँ वहाँ से, और जस्ट निकलने वाले रहते हैं, और मैं प्लेन की तरफ ध्यान रख रहा था कि ड्रॉप ना आ जाए, और तभी यार मुझे कैंपर दिख जाता है, और ये काफ़ी गलत वाला कैंप कर रहा था। पहले तो मेरा ग्लिच हो गया थोड़ा सा, फायर बटन दबाने के साथ साथ स्क्रीन ही ऊपर चली गई। फिलहाल हील करके हम लोग निकल जाते हैं, और यहाँ पर काफ़ी गलत वाला सीन हुआ, मैं जस्ट प्लेन देख रहा था कि कहीं ड्रॉप नहीं आ जाए। फिलहाल यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं ड्रॉप के तरफ, और उसमें मिल जाती है मुझे को ओम। अब यार ओम मिल गई तो काफ़ी खुशी हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग जस्ट निकल जाते हैं दूसरे एनिमीज को ढूंढने, और सामने एक फाइट चल रही होती है जिसमें से उसका टीममेट जो कवर फायर देता है उसके लिए, वो जस्ट देखो तुम। फिलहाल इसको मैं काफ़ी लो कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 HP होगा, बट इसका टीममेट भी मुझे 1 HP कर देता है, मतलब 10 HP 15 HP कुछ भी। फिलहाल यहाँ पर नॉक करके मैं अंदाज स्प्रे दे देता हूँ,
कि अगर कहीं नॉक वॉक हो गया। फिलहाल इसका टीममेट यहाँ पर उसको छोड़ के निकल जाता है, भाग जाता है। और दूसरा जो ओपोनेंट था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टीम्स आए थे, वो भी वही था। फिलहाल हम एक बंदे के पीछे लग जाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी डासिया लेकर आया था, और यही रुका था क्योंकि उसे मैंने थोड़ा डैमेज दे दिया था। फिलहाल ये हील करने के लिए ऑफकोर्स रुकेगा ही, बट ये वेयरहाउस में नहीं था, ये पीछे साइड था। पहले तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया, और यहाँ पर काफ़ी गलत वाला ग्लिच भी हो जाता था। पहले तो जंप एंड शूट किया, अब यार ध्यान से देखो वो मार रहा था उस तरफ, मतलब मेरे टीममेट की तरफ, बट उसके डैमेज आ रहे थे मुझको। मतलब ये क्या नया ग्लिच आया है रेंगल 2.0 में, इसका कुछ आइडिया नहीं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और सामने मेरा टीममेट मार्क कर देते हैं, वही बंदा है। तो मैं कहता हूँ कि तू जा सामने, मैं यहाँ से तुझे कवर दूंगा। और यहाँ पर मेरा टीममेट भी इसको काफ़ी ट्रोल करता है। और यार भर दिया इसको भी। फिलहाल यहाँ पर 19 किल हो गए थे, और यहाँ पर मुझे कुछ भी करके इस बार 20 करने थे। और पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो नहीं हो गए थे 20 किल। और यहाँ पर गलती कर देता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी उतर के यहाँ पर उसको अच्छा एंगल मिल जाता है, और उसको काफ़ी डैमेज दे देता हूँ मैं, तो मेरे टीममेट को मिल जाता है किल। फिलहाल सामने बंदे थे, जिसने एक बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया डीपी का। अब यार यहाँ पे मैं ऑम कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट रिज ग्लिच हो जाता है। तो फटाफट से स्मोक डाल के पहले मैं शॉट नहीं लेता हूँ, और फटाफट से इसको रिवाइव देता हूँ। बट यार तब तक आ जाता है जोन, और मेरा टीममेट जो है जोन से मर जाता है। तो अब यार यहाँ पे लेना था बदला। फिलहाल भागते वक्त दिखता है, और एक रनिंग शॉट दिया। अब यार दूसरे बंदे को मैं काफ़ी देर तक ढूंढ रहा हूँ, बट यहाँ पर मुझे नॉक्ड बंदा दिख जाता है एक, वहाँ पर फाइट हो रही थी। तो यहाँ पर मैं किल चुरा के अपने कर लेता हूँ 20 किल। तो 20 किलो होने के बाद यहाँ पर बदला तो लेना था, और लास्ट में एक ही बंदा वहाँ पर बचा था। मतलब वहाँ पे काफ़ी तगड़ी वाली फाइट हो रही थी। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, और उसको आना था जोन में। अब यार इसको भी मैं काफ़ी सही वाला स्प्रे देता हूँ, और ये फुल चल रहा था। और यहाँ पर देखना तुम, सिर्फ कर लेते हैं 21 किल चिकन डिनर। तो यार ये वीडियो पे लाइक ठोको। आजकल मैं देख रहा हूँ थोड़ा एक दो वीडियोस के जो मेरे स्टैट्स जो रहते हैं स्टूडियो में, वो बता रहे कि ये वीडियो की रीच थोड़ी कम हो चुकी है। तो यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आएगी तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, तुम लोग कर देते हो, बट अभी भी है 20% लोग जो वीडियोस देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार कर दो सब्सक्राइब, जस्ट दबा दो, लाइक भी दबा दो, और भाई को सपोर्ट करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।